ऐसे करते थे ना बचपन में स्कूल में जाने से पहले कि एक दो छोटे काट ले। वो है वेदर कैसा है तो मम्मा यूजुअली हेल्प करती है, स्पॉइल्ड बाय मम्मा। कॉर्नर की दुकान, वो काफी बड़ी दुकान उस टाइम पे भी थी, आज भी बड़ी होगी। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करना, अभिषेक भाई को ये ब्लॉग दिखा देना, उनको बोलना एग्जैक्ट इसी जगह पे ये तो खिलाओ ही खिलाओ। वेलकम जी आपका एक और डेली ब्लॉग से। आइए आज का दिन चालू करते हैं, पैकिंग करनी है, जम्मू का सारा ट्रिप करना है, और एक आपका थोड़ी सी ग्लिम्स देते हैं कि भाई जब ट्रिप पे जाना होता है उससे पहले वाले दिन में क्या क्या चीजें होती है। अभी तो मेरे को इसको भी थोड़ा, लेट्स गेट टू वर्क। सुबह सुबह दोस्तों नाश्ते में हम लोग खा रहे हैं दिल्ली स्टाइल छोले कुलचे, जिसमें मैंने हल्का सा पेरी पेरी मसाला डाला है, और इसको हम लोग पेयर कर रहे हैं एक छाछ के साथ में। आज रात को ही वी आर लिविंग फॉर जम्मू, तो दिस ब्लॉग को हम लोगों को स्केड्यूल करना पड़ेगा, और जम्मू के ब्लॉग्स आएंगे आपके कल से। और इस पैकेट के अंदर है कुछ ऐसी चीज़ जो शादी से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो दिस शुड बी अ सरप्राइज। तो ये आपको कुछ समय तक हम लोग नहीं दिखाएंगे, अभी तो इसकी खुद ही वो हो रही है, मतलब ये इसके बहुत ट्रायल्स हो रहे हैं, पहला सैंपल आया। गुड मॉर्निंग आर्यो, गुड मॉर्निंग। कल कैसे, थोड़ा थक गए कल? नहीं थकना क्या, थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है, कभी नहीं थकते, कभी थकते। उस दिन इतना घूम के आए थे नहीं थके थे, कल थोड़े में हो गए, वो धूप थी ना थोड़ी, कल मौसम थोड़ा अजीब सा था, मौसम तो थोड़ा सा बोलो ऊपर डिपार्टमेंट में कि थोड़ा जम नहीं रहा, एग्जॉशन सा फील कर रहा था। हाँ जी वेदर डिपार्टमेंट, थोड़ा बोलो ऊपर वेदर डिपार्टमेंट में कि जम नहीं रहा ये वाला वेदर। देखो अगर गर्मी होती तो प्रॉब्लम, सर्दी होती तो प्रॉब्लम, बारिश होती तो प्रॉब्लम, नहीं अब सर्दियों का टाइम आ रहा है, थोड़ा थोड़ा मट्ठा मट्ठा होना शुरू करे, एकदम झटका भी नहीं लगना चाहिए, ट्रांजिशन होना चाहिए स्मूथ। छोले कुलचे खाए जा रहे हैं, मैं अपने छोले कुलचे खा चुका हूँ, सुबह सुबह खाए जाए छोले कुलचे और साथ में पिए चाय। हाँ मैंने तो छाछ भी पिए थी अपनी, आप लोग चाय पी रहे हो, टेस्टी वाले खाओ जी, एंजॉय करो, एंजॉय। टड़ा भैया बाल एकदम छोटे काट देना, हर बार पापा ना लंबे बाल करवा लेते हैं, इसलिए छोटे काटना एकदम छोटे। बोल दिया ठीक है, पीछे से तो वो हो जाते हैं, आगे से फिर वो यहाँ तक आते रहते हैं। नाम बताया भैया? नंदू ठाकुर गाजीपुर के रहने वाले हैं। बहुत बढ़िया, बाल एकदम छोटे, ठीक है भैया आगे यहाँ से बिल्कुल नहीं आने चाहिए, ठीक है। ऐसे करते थे ना बचपन में स्कूल में जाने से पहले कि एकदम छोटे काट ले। तो ऐसे आप बाल ऐसे काटना कि वो अंदर जो है ना मम्मी है, मम्मी बोले ना कुछ, अंदर जो टीचर है। मशरूम कट ना करवा लो, मशरूम कट। चलो कपड़े निकाल रखे मेरे कपड़े, हाँ ऑलमोस्ट निकले ही हुए हैं। तो फिर कितने मेरे को चाहिए? 4 दिन के लिए। हाँ मतलब जीन्स और ये, मौसम तो वहाँ पे कैसा होगा? ठीक ही है, प्लेजेंट ही है। चेक करा आपने? चेक नहीं करा, बट इतना फर्क नहीं है। लास्ट टाइम कलकत्ता में बारिश हो गई थी, बारिश हुई पर ठंड नहीं होगी। नॉर्मल अपने कपड़े लेके जाऊँ? हाँ कुर्ते रखो, कुर्ता तो रखिए, और वो तो चलो सारी चीजें ट्रांजिट में, प्लेन के अंदर इतना ठंडा एसी चला देते हैं ये लोग, ऐसे ठिठुर जाता हूँ एकदम। मैंने पता क्या किया फिर, जो वो पोंचो होता है ना रेनकोट, रेनकोट पहन के मैं फ्लाइट के अंदर ऐसे हो गया क्योंकि ठंड लग रही थी। हाँ ऐसे में क्या, कॉटन के कुर्ते बेस्ट रहते हैं, कॉटन के कुर्ते सही रहते हैं ऑल वेदर, और सर्दी दोनों में बचा देते हैं। तो ये आपका काम है ना फिर? हाँ तो आई विल डू ना, आराम से 9-10 बजे आराम से करना, वो जैसे आप स्टैक करके रखते हो। ये मम्मा नाम का प्राणी है जो अपने बच्चों का बड़ा ध्यान रखता है, और सारे कपड़े निकाल के रख देते हैं ताकि ये जो शरारती बच्चे होते हैं वो सीधा स्टैक करे ठश 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 और निकल जाए। ठीक है, क्या आज क्या कुकिंग बाजी का भी शूट करने, कंटेंट डालना जरूरी है, दो करने उसके लिए भी टाइम निकालना है। मेरा बैकग्राउंड इग्नोर करना, काफ़ी मेसी हो रखा है अभी। सो पापा के साथ ना अभी जाना था कटिंग करवाने, बट इतना हेक्टिक चल रहा है ना, पापा की वैसी कटिंग ओवरड्यू हो रही थी यार। पापा ना एक्चुअली वो ऐसे होता है कि
हम लोग चले पापा के साथ कटिंग कराने, थोड़ी आउटिंग भी हो जाती है, फिर फूडी फैमिली है तो कुछ खा पी भी आते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। तो फिर वो वाला अपॉइंटमेंट कैंसिल करवा के अभी अर्बन कंपनी वाले बुला लिया। और ये जो भैया हैं ये भी बहुत अच्छे हैं। कभी कभार क्या होता है कि ऐप्स पे आपको वो रहता है कि इन मतलब एक जो मेल कटर का, आप मेरे को वुमेन का तो नहीं पता, बट लड़कों के कटर का बड़ा अच्छा वो रहता है कि मतलब वो होता है कि एक बार हाथ बैठ गया तो बैठ गया, तो इसलिए। बट अर्बन कंपनी में अभी तक नॉट स्पॉन्सर्ड, बट मोस्टली जितने भी लोग आए हैं एक दो लोगों को छोड़ के सारे अच्छे ही आते हैं ये। और इन्होंने अब थोड़ा वो भी कर दिया, पहले इनका 450 वाला हेयर कट होता था, अब नॉर्मल भी कर दिया। तो ये हम लोग, मैं तो वो ही करवाया, रॉयल वाला ही करवाया, बट अभी तक अच्छा रहता है और अपने आप आते हैं, आपको फील नहीं होता है कि मतलब सारा मतलब कि कुछ ऐसे ख़राब हुआ या कुछ हुआ। आया, कटिंग वगैरह हुआ सारा, और फिर पूरा क्लीन वगैरह करके चले गए। नाइस नाइस, ठीक है। पूछा अब बैग मेरे को पैक करना है, आई एम थिंकिंग कि कौन सा बैग लेके जाऊँ। पर्सनली मेरे जो आजकल फेवरेट बने हुए ना, ये वाले शूज़ बन रखे हैं, स्लिप ऑन वाले। और अभी सीज़न आने वाला है, बस कुछ एक दो महीने के बाद है, देन विल वेयर आर मेरे पर्सनल फेवरेट्स ये हैं, चेल्सी बूट्स। तो ये सारे जो है ना, ये तो जब दिल्ली में होता हूँ या फिर नॉन शूट में होता हूँ तब पहनता हूँ, क्योंकि कम्फी तो वैसे रहते हैं, बट 12-12 घंटे जब शूट करना होता है ना इधर उधर, तो भाई एक ही चीज़ आती है, अल्ट्रा बूस्ट। मतलब मेरे कंफर्ट वाइज और वो सब चीज़ें ऑल टेरेन वाइज, इसका हालत बहुत बुरी हो रखी है। बस इसको अभी मैंने शूट शूज़ बना रखा है अपना, लिटरली कहीं पे जाता हूँ एक फुटवेयर लेके जाना होता है, एक अल्ट्रा बूस्ट और एक मेरी ये क्रॉक्स की, ये जो कौन सी है, ये लाइट राइड, वेरी सुपर कम्फी। मैंने एक साइज़ बड़ा ले रखा है, लूज़र सी पहनता हूँ, मस्त मज़ा आता है। हाँ भाई, पता मुझे तू भी मेरे को देख रहा है, तेरा भी नंबर जल्दी लगेगा अभी, बट 13 अक्टूबर से पहले तेरा नंबर नहीं लगेगा। बैडमिंटन डेज, बीच में 2 दिन शायद हो सकता है बैडमिंटन, नॉट श्योर, सुपर हटेगा, कुकिंग पाजी के शूट्स भी है ना। चलो बैग पैक करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ भी टेक का बैग पैक करते हैं और फिर कुकिंग पाजी शूट। मोस्टली मेरी सारी पैकिंग, अगर 4 बजे निकलना है तो कितने बजे होती है पैकिंग, रात के 12 बजे होती है, कि तो 3-4 घंटे पहले होती है। अब टेक सारा पैक करना है तो सारा सामान चार्ज करना है, जो वो सबसे एंड में पैक होता है, जो पैकिंग का मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, जिसको 10-12 घंटे पहले शुरू हो जाता है, वो होता है डेटा ट्रांसफ़र। फ़ोन में जगह बनानी है, SD कार्ड्स में जगह बनानी है, SSDs में जगह बनानी है, और हार्ड डिस्क में वो सारा बैकअप लेना है। तो अभी वो प्रोसेस चल रहा है, कुकिंग बाजी का शूट निपटाता हूँ, तब तक मैं बस एक ये आइडिया ले लेता हूँ कि क्या मेरे को है, वेदर कैसा है। तो मम्मा यूजुअली हेल्प करती है, स्पॉइल्ड बाय मम्मा, मम्मा कपड़े निकाल देती है, उसके अंदर से मैं 4-5 कपड़े डाल देता हूँ, डन। अब अगर ये शैम्पू करने के बाद ये वाला तिनका यहाँ से यहाँ पे आया, मेरे को तो कुछ नहीं, हेडमास्टर को ही होता फिर। बेटा मैं फिरकी लेने पे आया ना, तो पता चलेगा पापा। पर ये लग तो ठीक रहे आपके, ये आपने ये इसको वो करवाया थोड़ा? नहीं कुछ नहीं, हाईलाइट करवाया वैसे ही कर, नहीं कोई हाईलाइट, ये नेचुरली है। नेचुरली है सर, नेचुरली है। भैया लगते हैं ये कहीं से, ये पापा के बाल हैं इतने, मतलब वो है घने सुंदर, मेंटेन्ड है अच्छे से। क्या है आपके बालों का राज, बचपन की चंपी? तेल मालिश। और दोस्तों यहाँ पे खाए जा रहे हैं मोमोज, और यहाँ पे हो रहा है डेटा कॉपी। हाँ जी, शूट कर लिया आज आपने, बड़ा ये हेक्टिक टाइप सा शूट था ये। ये कौन सा? अच्छा ये बाइक ले? नहीं ये ना, वो मेरे को छोटा वाला ना लिज्जत वाला मिल नहीं रहा। खत्म हो गया? पता नहीं खत्म हो गया या क्या है, ये सब्जी भी डालती हूँ उसमें से थोड़ा। और ये सब्जी का शूट अभी करा है, गेस द नेम ऑफ दिस सब्जी, आई थिंक वेरी इजी टू गेस द नेम ऑफ दिस सब्जी। हेलो, ओ मेरे को बताना है, सॉरी, चाप शाही चाप। यस शाही चाप, आलू भी हो सकता है, भिंडी भिंडी नहीं, भिंडी भी हो सकती है, भिंडी शाही आलू भिंडी नहीं होगी शायद, भिंडी नहीं होगी, क्योंकि भिंडी तो पर्पल कलर की होती है ना। क्या पता कोई नई भिंडी आ रही है जो रेड बनती है, से येलो। तो मैं ये, अच्छा ये पापड़ मेरा ही है, पापड़ तुम्हारा ही है, तो ये बनाया तो ये भाई को भी दे दो थोड़ा पापड़। भाई भी खाता पापड़। ओके गाइस, अपडेट ये है कि आप जब बज रहे हैं रात के 12 और करनी है बैग की पैकिंग। पैकिंग कर ली आपने सारी?
क्या तुम्हारी पैकिंग होगी? ऑलमोस्ट 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 एंड शुरू भी नहीं करी मैं, देयर इज अ वेरी थिन लाइन। वो लेके आनी है इस बार, मम्मा पापा ने बोला 2.5 किलो जम्मू फज चॉकलेट बर्फी जो भी है। 2.5 किलो बोला था, 2.5 किलो बोला था या कितना बोला था? 1.5 किलो 11 किलो 11 किलो मैं ले भी आऊँगा। वो चॉकलेट का स्वाद पता कितनी होती है, जम्मू की चॉकलेट फज। ठीक है दोस्त, मिलेंगे कुछ दिनों में जम्मू से, इंजॉय दिल्ली आते हुए। ओके। मैं और मैं तब तक जम्मू को नॉस्टैल्जिक वो याद करूंगा। बड़े होने के बाद भी गया हूँ, लेकिन जो मेरी फर्स्ट विजिट की मेमोरीज है वो तो होती है ना। आई वॉज अ किड इन 6th क्लास, बड़े पापा की फोस्टिंग, दादी माँ छोटी बुआ के साथ हम लोग गए वहाँ पे समर वेकेशन में, तो वहाँ पूरी खाते थे बताया है उस दिन। वो मैंने बोल दिया अभिषेक भाई को, 4 बजे का हम लोग 4:15 कितने बजे निकलने हैं? 4:15 नहीं 4:15 नहीं 4 बजे का निकलने, 4:30 बजे निकल जाना है। ठीक है 4:30 बजे गुड नाइट, निकल जाना बेटा, गुड नाइट। सो जा भाई थका हुआ, गुड नाइट बिजी रहा दर तो उसमें, और ये टेस्टी वाला पनीर खा रहा हूँ मैं, खाओ एंजॉय। चॉकलेट लेके आना और उस दुकान पे जरूर खाना, शूट करो नहीं करो। क्या नाम था उस दुकान का? नाम ही तो मुझे ही अब क्या यार? वो वहाँ पे उन्होंने 2-3 दुकानें बोल रहे, 2-3 दुकानें हैं वहाँ पे मंदिर के पास में पूड़ी वाली। भाई जो रघुनाथ टेम्पल जो चौक है ना, हाँ वो अब तो मुझे भी गया काफी टाइम हो गया, तो वहाँ पे उधर वो बैक करके अगर खड़े होता ना बी टेम्पल के, तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर की दुकान थी, कॉर्नर की दुकान, वो काफी बड़ी दुकान उस टाइम पे भी थी, आज भी बड़ी होगी। ठीक है मैंने कुछ नहीं करना, अभिषेक भाई को ये ब्लॉग दिखा देना, उनको बोलना एग्जैक्ट इसी जगह पे ये तो खिलाओ ही खिलाओ, और कुछ खिलाओ ना खिलाओ ये जरूर खिलाओ। अभी अभिषेक भाई को ना, इनसे आपको कल मिलाएंगे, बाय बाय।